बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन को जीत कर दिव्या अग्रवाल ने इतिहास रच दिया। वैसे तो बिग बॉस को देखना हर कोई बेहद पसंद करता है, लेकिन बिग बॉस ओटीटी का पहला सीजन भी सुपरहिट साबित हुआ था। बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट को हम 24 घंटे लाइव देख सकते थे। ये बहुत ही शानदार शो था। दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सेजपाल, शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और राकेश बापट शो के फाइनल कंटेस्टेंट थे। प्रतीक सेजपाल ने बिग बॉस 15 का टिकट लेकर शो को छोड़ दिया। निशांत भट्ट फर्स्ट रनर अप रहे और शमिता शेट्टी को दूसरा रनर अप घोषित किया गया। राकेश बापट चौथे स्थान पर पहुंच गए। दिव्या अग्रवाल का शो जीत जाना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। दिव्या अग्रवाल ही बिग बॉस ओटीटी के घर में ऐसी कंटेस्टेंट थी जो बिना कनेक्शन के आगे बढ़ी। हालांकि दिव्या का रियल लाइफ कनेक्शन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। बिग बॉस ओटीटी में देखने को मिला था जब वरुण सूद शो में दिव्या से मिलने आए थे, वो इमोशनल हो गई थी। दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं। अब हाल ही में बॉलीवुड लाइफ को दिए इंटरव्यू में दिव्या अग्रवाल ने वरुण सूद संग अपनी शादी के प्लान का खुलासा किया है। दिव्या अग्रवाल ने कहा है, शादी करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम दोनों इस बात को अच्छे से समझते हैं। दिव्या ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब देने से बिल्कुल नहीं भाग रही। ओटीटी विनर ने कहा कि हम जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे, एक बार दोनों अपनी लाइफ को प्लान कर ले। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके बारे में हमें परिवार और करियर को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा। अभी तक हम लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जब भी होगा डंके की चोट पर होगा। वरुण सूद से काफी वक्त बाद मिलने पर दिव्या ने कहा, हम दोनों के बीच कभी फैसला कोई मैटर नहीं रखता। हम जिद्दी हैं और एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे।